और इस बार के जो बजट है, बजट में डवाली का हमारा जो रेलवे ओवर ब्रिज है जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, वो 62.5 करोड़ की लागत से वो सेंक्शन हुआ। और साथ साथ जाखल का भी एक आरोपी जो करीबन 26 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, इस बार दो हमारे आरओबी सेंक्शन हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में अभी तक जो सेंक्शन की लिस्ट है उसमें यही दो थे। इसके साथ साथ हमारा प्रयास है कि हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कालावाली है, कालावाली में अंडर ब्रिज का वो एक मामला है। उस साइड का जो स्टेशन है उसको हमने, जो माल गोदाम वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं उसको लेकर के हमने बात करी कि उस तरफ भी हमारा एक मेन प्लेटफॉर्म होना चाहिए और माल गोदाम जो है उसको कहीं और शिफ्ट करने की। और करीबन 1120 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड बनेगा। इसी तरीके से हमारा और भी जो दूसरा हिस्सा है जींद से लेकर के पंजाब बॉर्डर तक, वो भी करीबन 750 करोड़ रुपए की लागत से वो बनेगा। ये सारे 4 लेन और 6 लेन रोड्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो रोड पे एक्सीडेंट होते थे, हमने यही एक प्ली दिया था कि जब से हमारा बठिंडा रिफाइनरी बनी है और उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ डेरे भी हैं, बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं, ट्रैफिक बहुत होता है और आए दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई रोड का हादसा होता है। करीबन एवरेज अगर देखो तो एक हादसा बड़ा एक दिन हो ही जाता है। तो इस तरह की परिस्थिति में रोड जब तक नेटवर्क ठीक नहीं होगा, तो उसकी भी घोषणा हुई है और मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के भी हमारी खुशी होगी कि जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू हो ताकि पूरे इस इलाके को फायदा हो और यहाँ पर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने वाले समय में रोजगार भी मिले। और औद्योगिक इसके लिए वैसे तो सिरसा बैकवर्ड जिला घोषित है, इंडस्ट्री बैकवर्ड इलाका, जो हमारा रिफाइनरी से टचिंग एरिया है, क्योंकि रिफाइनरी का पॉल्यूशन तो हमें मिलता है लेकिन उसके अलावा कोई बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते। तो हमने अभी कुछ महीने पहले, महीना भी नहीं हुआ, पूरा महीना 25 दिन की बात है, प्रधानमंत्री जी ने एक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था जो महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, फिर दिल्ली एंटर करती है, दिल्ली से होते हुए फिर हरियाणा, पंजाब, बठिंडा में वो आकर के जो गैस पाइपलाइन है वो एंड हो जाता है। हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि इस गैस पाइपलाइन को अगर थोड़ा सा हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से 15 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया जाए और पूरे उस इलाके को इंडस्ट्रियल हब डेवलप किया जाए जो रिफाइनरी के साथ का इलाका, क्योंकि ड्राई एरिया है, कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया नहीं, तो इसको लेकर के भी हम काम करें ताकि गैस बेस जो इंडस्ट्रीज आ सकती हैं उसको हम वहाँ करें और उससे पूरे इलाके में एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी और मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंडस्ट्रियली बैकवर्ड इलाका है इसको हम और आगे तेजी के साथ ले जा सकें। एक और जो न्यूक्लियर प्लांट है हमारा, परमाणु संयंत्र जो गोरखपुर फतेहाबाद में लगना है, उसको लेकर के भी पीछे मैं आज से 3-4 दिन पहले हमारे जो मंत्री हैं पीएमओ के नारायण स्वामी, उनसे मिला था। और अब सबकी, क्योंकि मोटे तौर पर सब लोग आज 100% तो नहीं कहते लेकिन 90-95% किसान आज इस बात के लिए कन्विंस है कि अब जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर लगना चाहिए ताकि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उस चैलेंज को भी हम सफलता के साथ उसका सामना कर सकें। साथ साथ हरियाणा में जिस तरीके की बिजली की डिमांड लगातार बढ़ी है, ये 2800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और करीबन 18 से 20 हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है जिस पर पूरे हरियाणा को, क्योंकि उसमें 1400 मेगावाट बिजली तो जो पॉलिसी है न्यूक्लियर जहाँ भी प्लांट लगता है उसकी पॉलिसी है कि 50% तो जिस स्टेट में लगेगी वहाँ उसको डायरेक्ट मिलेगा, उसके अलावा 15% हमारा नेशनल पूल जो है उसमें बिजली जाएगी और जो 35% है उसका डिवीजन, उसके अपने मापदंड होते हैं उसके आधार पर। तो मैं समझता हूँ कि आज से 7 साल पहले पूरा हरियाणा 1400 मेगावाट बिजली पैदा करता था, आज करीबन 5000 के आसपास हमारे जनरेशन की कोशिश है। कुछ प्लांट अभी चल चुके हैं, कुछ चलने हैं अगले कुछ महीनों के अंदर, जारी है कटाई का। और कटाई के सीजन में किसी को दिक्कत अगर कहीं आती है तो आपके माध्यम से हमारे तक बात पहुंचे, हम तो अपने लेवल पे उस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं कि जो भी एजेंसीज हैं वो एजेंसीज प्रॉपर तरीके से परचेज करें और कहीं किसी तरह की किसान को कोई दिक्कत ना हो। मोटू झील की खुदाई पेंडिंग है, उस पे दोबारा काम शुरू नहीं हुआ।
ओटू झील का जहाँ तक मामला है, ओटू झील में खुदाई जारी है, सब तो नहीं है? जारी नहीं है, नहीं अभी बंद होगी होगी क्योंकि उसमें पानी का वो पिछले साल के बाद शुरू नहीं हुई, बाकी लोग सस्पेंड हो गए। हाँ, मामला भी रुका है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कुछ था और इरिगेशन के खिलाफ भी। देखिए ओटू झील को मोटे तौर पे जो सैद्धांतिक रूप से सरकार की जो कोशिश है और सरकार की जो सोच है वो ये है कि ओटू को हमें इसका कैचमेंट एरिया जो है उसको और बढ़ाना है, और जहाँ जहाँ खुदाई की जो तब ये सस्पेंशन और जो टेक्निकल अगर या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स है वो तो दूर होंगे समय के हिसाब से, लेकिन ओटू को लेकर के उसका एक बड़ा ब्लूप्रिंट और रोड मैप है सरकार के पास, और मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में उसके ऊपर काम हुआ है, और भी जहाँ भी पैसे की जरूरत होगी तो ओटू के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओटू आज एक बहुत, मैं समझता हूँ कि इस पूरे इलाके की जो आज ये प्रोडक्शन हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, ये ओटू की देन है। और आगे ओटू से झीले निकले, अभी रानिया रैली में घोषणाएं हुई, जब हमारी बढ़ते कदम रैली थी उसमें घोषणाएं हुई थी कि इसी तरीके से, और वो सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक किसान को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने के लिए उनके खेतों को अच्छे से अच्छा पानी पहुँचे, घग्गर का लाल पानी है सर, घग्गर का। लेकिन ये तो अभी साल छः महीने तो सबकी डेडलाइन है, डबवाली संगरिया वो काम जारी है, इलाहाबाद ये पूरा पंजाब बॉर्डर से ये पूरा काम जारी है, इसके साथ साथ जो और इंटीरियर रोड है अब तो मैं देखता हूँ कई जगह जारी नहीं है। प्रधान जी रोज आते हैं आके बताते हैं, मैं तो खुद देखता हूँ, देखे काम जारी है।